दोस्तों, आज फिर से मैं आपके पास पैनल रिपेयरिंग का एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये रेड इंडिकेटर है, ये मैंने ऑन किया, ये येलो हुआ। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो स्क्रीन है वो नहीं आ रही, मतलब पिक्चर नहीं आ रही। बैकलाइट मैंने टेबल के, जो बैकलाइट टेबल है उससे लाइट दी है, सो आप देख सकते हैं पिक्चर नहीं आ रही है। सो इसमें क्या फॉल्ट है देख लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं ये किस मॉडल नंबर पे लगा हुआ पैनल है। मॉडल नंबर है UA40H4200AR। फॉल्ट को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले 12 वोल्ट चेक करना है फ्यूज के दोनों एंड्स पे। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद बाकी के हमें पैनल वोल्टेज देखना होता है, जिसमें लो वोल्टेज एंड पैनल बूस्ट वोल्टेज सभी आपको देखना है। नो पिक्चर के लिए सबसे पहले हम जो चेक कर रहे हैं वो है 3.3 वोल्ट। आप यहाँ देख सकते हैं 3.3 की जगह पे 0.6 वोल्ट आ रहे हैं, दैट मीन्स 3.3 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। जैसे कि आपने देखा 3.3 वोल्ट नहीं बन रहे हैं, तो सबसे पहले हमें जो चेक करना होगा वो डीसी टू डीसी आईसी की शॉर्टिंग चेक करनी होगी। सो हम ग्राउंड से पहले जो डीसी टू डीसी आउटपुट हो रहा है इस कॉइल के थ्रू, आउटपुट पे हम चेक करेंगे कि क्या इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। सो जब हमने चेक किया इसका रेजिस्टेंस, ये करीबन 1 किलो ओम्स के करीब रहा। सो इस एंड पर शॉर्टिंग नहीं है। हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है वो शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे पास दूसरी सोर्स पीसीबी है। हम क्या करेंगे कि हमारे पास दूसरी सोर्स पीसीबी है, उसमें से जो आईसी है जो हमें लग रही है कि डिफेक्टिव है वो रिप्लेस करेंगे, जिसका नंबर है SM4151। सो हम इस पीसीबी में से आईसी रिप्लेस करके देखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरी सोर्स पीसीबी है हमारे पास, उसके 3.3 वोल्ट हम चेक करेंगे, क्योंकि पहले चेक करने के बाद ही हम कंफर्म करेंगे कि रेजिस्टेंस जो चेंजेस देखने के लिए। सो सबसे पहले हम वोल्टेज ले रहे हैं, इसमें 3.3 वोल्ट आउटपुट जो टेस्ट पॉइंट है उस पर हम चेक करेंगे 3.3 कंप्लीट बन रहे हैं सोर्स पीसीबी में। सो दोस्तों, सबसे पहले हमें 12 वोल्ट की प्रेजेंस यहाँ चेक करनी है। सो 12 वोल्ट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट प्रेजेंट है दोनों एंड ऑफ द फ्यूज़ पे। और उसके बाद हम दूसरी चीज़ चेक करेंगे 3.3 वोल्ट। यहाँ आप देख सकते हैं दूसरी जो सोर्स पीसीबी हम जो यूज़ करने वाले हैं आईसी निकाल कर हमारी पीसीबी में लगाने के लिए, सो 3.3 वोल्ट जो है वो ये आईसी डिलीवर कर रही है इस कॉइल के थ्रू। सो यहाँ पर जो हमारी आईसी है SM4151 ये ओके है, अभी 3.3 वोल्ट डिलीवर कर रही है। इसके बाद गेट वोल्टेज जो है इस मॉस्फेट के लिए निकलेगा। यहाँ पर मैं बता देता हूँ टेक्निक क्या होती है इस टाइप की पीसीबी में। ये आईसी है 6 पिन की, जिसकी 4 पिन शॉर्ट है। ये जो 4 पिन शॉर्ट है वो ड्रेन पिन है और सोर्स पिन ये है। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देखने मिलेगा और यहाँ ये गेट पिन है और यहाँ भी 12 वोल्ट आ रहे हैं। जब गेट पर 0 वोल्ट हो जाएगा उस समय पे ये आईसी जो है ड्रेन पर 12 वोल्ट प्रेजेंट कर देगी, और ये 12 वोल्ट आईसी में वाया कॉइल जाने के बाद ये डायोड के थ्रू एवीडीडी वोल्टेज, फर्स्ट वोल्टेज हमें जो बूस्ट वोल्टेज मिलता है वो प्रेजेंट करेंगे। लेकिन हमारी तो जो ओल्ड पीसीबी है उसमें दिक्कत यह है कि 3.3 वोल्ट ही वो डिलीवर नहीं कर रहा है। सो इसलिए हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि इस आईसी को हम बदलेंगे, इंटरचेंज कर देंगे इस आईसी को, और उसके बाद देखेंगे कि 3.3 बनने के बाद क्या बाकी के पैनल वोल्टेज बनते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट आने के बाद। पहले हम ये आईसी निकाल देते हैं।
सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं अभी पहले। यहाँ पर 16 वोल्ट एवीडीडी कंप्लीट है, वी ऑन जो है वो कंप्लीट है 31 वोल्ट, एचवीडीडी 7.5 वोल्ट, आप यहाँ देख सकते हैं 7.5 वोल्ट ओके है। टीवी ओके हो चुका है, इसमें हमने ये आईसी बदली और आईसी बदलने के बाद इस पीसीबी में से हमने आईसी निकाल कर यहाँ इंस्टॉल की है, यहाँ आप देख सकते हैं और पिक्चर बन चुकी है और जो प्रॉब्लम था इसमें हमने सॉल्व किया। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर बटन का यूज कर सकते हैं, शेयर कीजिए इस वीडियो को। फ्रेंड्स, अगर जो मेरी चैनल अब तक सब्सक्राइब न की हो तो बिना भूले सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। इतने इंपॉर्टेंट वीडियोस में डालता हूँ, आपने सब्सक्राइब किया होगा तो नेक्स्ट मेरा जब भी अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। इतने इंपॉर्टेंट चैनल है ये, आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय।